अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। ये सूरह फातिहा, सूरह सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर। या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर। कि ये हिंदुस्तान में जासूसी करने आई है, क्योंकि ये देखने में जिस तरह से भोली भाली लग रही है, ये भोली भाली है नहीं, ये देश के लिए बहुत ही खतरा है। जय हिंद दोस्तों। सीमा हैदर, जिस तरह से सीमा हैदर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, अब इसकी चर्चाएं बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है, क्योंकि इसके बारे में कई ऐसे सवाल अब उठने लगे हैं कि लोग अब सुन के भी परेशान हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से सीमा हैदर सीमा को पार करके अपने हिंदुस्तान में दाखिल होती है, ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर कहती है कि वो सिर्फ 5 क्लास ही पास है, और ये 5 क्लास पास होने के बावजूद भी वो इतना अच्छा तरीके से मीडिया को फेस कर लेती है, और इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलती है, और इतने कंप्यूटर का नॉलेज फिर उसको कहाँ से आया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर पहले दुबई जाती है, दुबई से काठमांडू नेपाल आती है, फिर नेपाल के रास्ते इंडिया आती है, तो सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि क्या इंडिया का सिक्योरिटी पोस्ट चेक पोस्ट इतना कमज़ोर है? क्योंकि अगर इंडिया का कोई आदमी अगर नेपाल जाए तो इतनी भयानक तरीके से चेक इन होती है, जब लौट अगर आप लौटेंगे तब पर भी वहाँ से बहुत भयानक तरीके से चेक इन होती है। तो ये औरत जिसके पास फर्जी पासपोर्ट होता है, जिसके पास फर्जी हर पेपर होता है, जिसके पास फर्जी आधार कार्ड होता है, जबकि आधार कार्ड पाकिस्तान में चलता ही नहीं, तो इसके पास फर्जी आधार कार्ड फिर कहाँ से आया? इसके पास 6-6 फ़ोन बरामद हुए हैं और एक टूटा हुआ भी फ़ोन बरामद हुआ है, लेकिन इसके बिना वीज़ा बिना ओरिजिनल पेपर के ये इंडिया में दाखिल कैसे हो जाती है? बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके बारे में कई ऐसे सवाल अब उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में जासूसी करने आई है, क्योंकि ये देखने में जिस तरह से भोली भाली लग रही है, ये भोली भाली है नहीं, ये देश के लिए बहुत ही खतरा है। लेकिन ये पहले एक वीडियो और भी मैंने जिस तरह से बनाया था इसी बात को लेकर के, तो कुछ अनभक्त ऐसे हैं जो मुझे ट्रोल करने लग गए। वो कहने लगे कि तुम्हारे अब्दुल को छोड़ के आई है इसलिए तुम लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बातों को सोचने में बहुत मजबूर कर देता है कि ऐसे लोगों को देश की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं होती है, ऐसे लोग देश के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ एक तरफा ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हैं, देश की जिस तरह से जाँच एजेंसियाँ एक्टिव हुई है और पत्रकार जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, अब पत्रकार उससे सवाल कर रहे हैं कि आप आखिर आप 5 क्लास ही पास हैं तो इतने अच्छा इंग्लिश कैसे बोलते हैं, और बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा का आप किसी देश को कैसे पार कर लिए? क्योंकि बिना वीज़ा का कोई देश पार करना बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई किसी का हाथ है, और कोई ना कोई इसके पीछे में सपोर्ट कर रहा है। कौन इसको टिकट बरामद करके दिया, कौन इसको टिकट बना करके दिया, कौन इसको इंडिया तक ला के दिया? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के नोएडा में ये 2 महीने तक लगातार रही, किसी को कानू कान तक खबर नहीं हुआ, और 2 महीने तक ये अपने चार बच्चों को लेकर के वहाँ पे लगभग 2 महीने तक रही। लेकिन अभी उसका जो हस्बैंड कहा जा रहा है गुलाम हैदर, अभी फ़िलहाल उसका वीडियो सामने में आ रहा है। जब सीमा हैदर के बारे में इंडिया में खूब चर्चाएँ होने लगी, तब गुलाम हैदर का वीडियो सामने में आया। अगर उसका सच में वाइफ है तो फिर उसका वीडियो पहले से ही आता। गुलाम हैदर का जिस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये रट रट रहा ही बात है, क्योंकि जिस तरह से गुलाम हैदर बोलता है, ऐसा लगता है कि उसके पीछे में बहुत उसको पहले रटाया गया है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर सोच सकते हैं, सीमा हैदर जिस तरह से इंडिया में आई है, उसके पास जिस तरह से इतने सारे पासपोर्ट बरामद हुए हैं, और इतने सारे फर्जी पेपर बरामद हुए हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और एक लड़की अपने 4 बच्चों को इंडिया में कैसे लेकर के आ सकती है, इतने सिक्योरिटी के बावजूद ही, इतने चेक पोस्ट के बावजूद? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ फैज़ान, आप देख रहे हैं सच के साथ।